हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाभा एटॉमिक सेंटर BARC की तरफ से, जिसे हम वार्क कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, मेडिकल डिवीज़न की आप कुछ वैकेंसी निकली हुई हैं जो कि आपके मुंबई में स्थित है। तो इसमें जो आपकी वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की इसमें वैकेंसी होगी, लोकम बेसिस पे ये वैकेंसी है। तो जो भी हमारे साथ नए जुड़े हों, वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने बताया कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कंडक्ट्स वॉक इन इंटरव्यू बेस होगा। इसका मतलब कि आपका इंटरव्यू बेस ये वैकेंसी है, नो रिटन टेस्ट, ठीक है, लोकम बेस अगेंस्ट रेगुलर वैकेंसी है ये आपकी। तो क्वालिफिकेशन आपकी इसमें क्या मांगी गई है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सैलरी है, कितनी वैकेंसी है, सब बात करूँगा मैं। तो क्वालिफिकेशन एंड डिजेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए 10+2+2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा होना चाहिए, 3 मंथ ट्रेनिंग इन फार्मेसी होनी चाहिए प्लस साथ में, ठीक है, जो डी फार्मा आप करेंगे, देखिए 10+2 के साथ में आपके पास होना चाहिए डी फार्मा, ठीक है, प्लस उसके साथ में 3 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए फार्मेसी की, प्लस वैलिड रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट का आपका होना चाहिए विद सेंट्रल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। इसका मतलब कि ऑल इंडिया ये वैकेंसी है, तो सब अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की याद करता हूँ, टोटल इसमें 5 वैकेंसी होगी अगेंस्ट रेगुलर वैकेंसीज़ के। और एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, तो आपसे इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है कि कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन द फील्ड विल बी प्रिपेयर्ड, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इन एसेंशियल एज अ फार्मासिस्ट, विल हैव टू एंटर द डिटेल्स ऑफ मेडिसिन डिस्पेंस, ठीक है। तो आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, प्लस परफॉर्मेंस आपको दी जाएगी अगर आपका इसी फील्ड में कोई सा भी एक्सपीरियंस हो तो। सैलरी की बात करता हूँ, क्या सैलरी मिलेगी, तो मंथली आपको इसमें 16,720 कुछ सैलरी मिलेगी, और प्लस DA एडमिसिबल और फार्मासिस्ट ए का आपको मिलेगा। DA आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर 16,000 आपकी कुछ सैलरी है तो इससे प्लस ही आपको कुछ सैलरी मिलेगी, 2-3 हज़ार रुपये और बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। HRA DA वगैरह हमें सब मिलता है, यातायात का भत्ता, ठीक है, अगर फील्ड का वर्क होता है तो। और पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट आपकी कितने दिन की रहेगी, 178 डेज़ की रहेगी, नॉट मोर देन 89 एट वन टाइम होगी, ठीक है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट लोकम बेसिस की है, एज लिमिट आपकी नॉट मोर देन 45 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और आपका इंटरव्यू होगा इसमें 15 फरवरी को होगा, ठीक है। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू 15 फरवरी 2024, ठीक है, 10:30 पे होगा। वेन्यू आपका कहाँ होगा, कहाँ जाना होगा आपको, तो यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 2nd ग्रांड फ्लोर बार्क हॉस्पिटल, ठीक है, अनुस्मृति नगर मुंबई, पिन कोड दे रखा है 400094, ठीक है। रिपोर्टिंग एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको बता रखा है उन्होंने, 8:30 से 10 बजे के बीच में आप कर सकते हैं, इसके बाद आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसी कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट, ठीक है, 8:30 से लेके आपको कैंडिडेट रिपोर्टिंग 10 बजे तक आप कर सकते हैं, 10 बजे के बाद नहीं होगा। तो आपको कैसे जाना है, इसमें कोई फॉर्म वगैरह भरना है, फिर क्या है उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे दिया, कैंडिडेट आर एडवर्टाइज टू ब्रिंग ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ में आपको जाना है, ठीक है। वन सेट ऑफ असिस्टेंट, आपने अभी देखा होगा लेडी हार्डिंग का एक वैकेंसी निकली हुई थी हमारी कुछ, तो उसमें 10% से ऊपर कैंडिडेट सिर्फ सेल्फ असिस्टेंट की वजह से ही डिसक्वालीफाइड हुए हैं। तो आपको मान के चलिए 10th की मार्कशीट है, आपका डी फार्मा वी फार्मा की मार्कशीट है, तो और ये फिर आधार कार्ड हो गया, तो सबके नीचे आपको अपने साइन करने हैं, यही हमारा सेल्फ असिस्टेंट होता है। ऐसे ही आपका फ़ोटो हो गया, ठीक है, तो फोटो पे भी आपके सेल्फ आधे साइन इधर पेज पे और आधे साइन आपके फ़ोटो पे होने चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या क्या लेके जाना है, इसमें आपको लेके जाना है वन सेट ऑफ असिस्टेंट कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ में, और 10th 12th की मार्कशीट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब कि आपके पास TCCC होती है जो हमारी डिप्लोमा डिग्री जो भी है आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन डी फार्मा वी फार्मा जो भी है, और रजिस्ट्रेशन और एक्सपीरियंस 3 मंथ ट्रेनिंग डी फार्मा वालों के लिए, ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। डिविजनल ऑफिस इन दी हॉस्पिटल विल नॉट बी अटेस्ट द सर्टिफिकेट, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्मेट इज अटेस्ट करना होगा आपको, ठीक है। तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आपको अप्लाई कैसे करना है मैंने बता दिया है, प्लस आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। तो टेलीग्राम का नाम है, आप देख सकते हैं, MLT Journey 6675, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, तो आप इसे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। ऐसी मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हम ऐसी मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। प्लस फार्मेसी की कल हमने डाली थी, ठीक है, तो वैकेंसी एक और निकली हुई है लेडी हार्डिंग में, आपकी कॉन्टैक्ट बेस की वैकेंसी निकली हुई है, वो भी ज़रूर देखिए, 31,000 कुछ सैलरी है उसमें, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी, चिंता ना कीजिएगा। थैंक यू।